दोस्तों, अगर हम लोग ट्रेन यात्रा के बारे में सोचते हैं तो ट्रेन यात्रा के बारे में हमारे दिमाग में कई चीजें आती हैं। सेंसिंग व्यूज, रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, फैमिली फ्रेंड या दूसरे यात्रियों के साथ मजेदार समय, और हम सब बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जो आपकी रेल यात्रा को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं और आपको काफी खतरनाक लग सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं 10 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं नंबर एक के साथ। नंबर एक, चेन्नई रामेश्वर रोड। 1914 में शुरू हुई चेन्नई रामेश्वरम रोड समुंदर के ऊपर 2065 मीटर का स्ट्रेस कोर्स करता है। चेन्नई से रामेश्वरम तक ये रूट पंबल ब्रिज पर चलती है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज है। इस रूट पर यात्रा करने वाली यात्री का कहना है कि सबसे बुरा हिस्सा वो नाजुक पुल है जो ट्रेन के साथ समुद्र के तेज रूप पर हिलती है। चेन्नई रामेश्वरम रूट को खतरनाक बनाने का सबसे बड़ा कारण है पंबल ब्रिज ट्रेन एक्सीडेंट। 1964 में हुआ था, एक साइक्लोन ने पंबल आइलैंड के पूर्वी किनारे पर स्थित धनुषकोटी टाउन को तबाही कर दिया और एक ट्रेन को पंबल ब्रिज से गिराया। तो इस हादसे के बाद चेन्नई रामेश्वरम रोड को खतरनाक बनाता है। नंबर टू, आर्गो गेट ट्रेन रेल रोड इंडोनेशिया। 2002 में एक खतरनाक ट्रेन हादसे से गुजरा आर्गो गेट ट्रेन रेल रोड इंडोनेशिया। जकार्ता और बंदूक के बीच चलती है। इस 3 घंटे के यात्रा में आपको अनोखे सुंदर स्थान, चाय के बगीचों और पहाड़ी दृष्टियों का नजारा मिलता है। लेकिन जब ये चिकुरतु पायलन त्रिस्थल ब्रिज में प्रवेश करता है तब ये रिलैक्सिंग राइड बदल जाती है। आर्गो गेट ट्रेन रेल रोड को खतरनाक बनाने का कारण इंडोनेशिया के प्रसिद्ध स्थल बेंगडुंग और जकार्ता के बीच यात्रा बहुत ऊंची होती है। चिकुरतु ब्रिज के दोनों तरफ कोई इंक्लोजर्स नहीं होते जो इसे बहुत ही खतरनाक बनाते हैं। नंबर थ्री, ओसो मिनामी रूट जापान। एक एक्टिव वोल्केनो एरिया से गुजरने वाला ओसो मिनामी रूट दुनिया के खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक माना जाता है। ये टाकामोरी से टाटानो स्टेशन इन मिनामियासो को जोड़ता है और जापान का सबसे एक्टिव वोल्केनो माउंट ओसो को पार करता है। इसके अलावा ट्रेन एक ऊंची और नाजुक लोहे का पुल भी पार करता है जो कि तंग और अनफेसेड है, और एक गलत कदम ड्राइवर का पैसेंजर्स को नीचे ले जा सकता है। ओसो मिनामी रूट का खतरनाक बनाने का कारण है जब ट्रेन कुमामोतो के वोल्केनिक एरिया से गुजरता है तो वोल्केनिक इरुप्शन अनिश्चित होता है और कभी भी फट सकती है। इसने इस एरिया में कई खूबसूरत जगहों को जला दिया है जो इसे और भी भयंकर बनाता है। इस डेड रेलवे के ट्रैक के पास जलती लावा भी देखी जा सकती है। नंबर फोर, गिरगिटाउन लूप रेल रोड, विश्व का एक अद्भुत रेलवे ट्रैक। गिरगिटाउन लूप रेल रोड 19th सेंचुरी में चांदी के माइंस तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। ये एक 3 फीट चौड़ी गैप है जो क्लियर क्रैक कंट्री में रॉकी माउंटेन्स में स्थित है। ये रेल गोरगेटाउन से सिल्वर प्लम के बीच का फैसला तय करती है और वैली के सीनिक व्यूज के साथ है। गोरगेटाउन लूप रेल रोड का खतरनाक बनाने का कारण है इस रूट पर 100 फीट ऊंची डेविल्स गेट हाई ब्रिज है और रेल के सामने और दोनों तरफ से आने वाले मजबूत हवाई यात्रियों के लिए एक डेयरिंग यात्रा बनाती है। नंबर फाइव, व्हाइट पास एंड युकुंग रोड। व्हाइट पास एंड युकुंग रूट सभी एडवेंचर सीकर्स को सबसे अच्छी ट्रेन एक्सपीरियंस देती है। ये 1898 में बनाया गया था जब क्लोनडक गोल्ड रूस की ऊंचाई थी और इसका कोई सीधा कनेक्शन किसी अन्य रेल हेड से नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेन रूट में से एक, इसका 3 फीट चौड़ी गैग रेल रोड इसका कोई रक्षा के बंदरगाह को व्हाइट हॉर्स युकुंग को जोड़ता है। व्हाइट पास एंड युकुंग रूट को खतरनाक बनाने का कारण है पहाड़ों पर 3000 फुट की चौड़ी व्हाइट पास एंड युकुंग रूट को खतरनाक बनाती है। इसके अलावा एक समय में माइनर्स के लिए एक रोड के रूप इस्तेमाल होती थी जब गोल्ड रिच युकुंग तक पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर से कम में 3000 फुट तय करते थे। नंबर सिक्स, ट्रेन ए लास न्यूब्स। ट्रेन ए लास न्यूब्स का सफर अर्जेंटीना के सुल्ता और पूर्व रेलो के चिले को जोड़ने वाला 217 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है। ये 1921 में शुरू हुआ और पूरा होने में 27 ईयर्स लग गए। ये 1948 में शुरू हुआ और ये अर्जेंटीना में उन रेलवे में से एक था जो सबसे ऊंचाई पहाड़ी और सबसे गहरी कैनियन से गुजरती थी। तीन ए लास निप्स को खतरनाक बनाने का कारण है इसमें 21 गुफाएं और 13 मजबूत पुलों से गुजरने वाला जिगजग ट्रैक। तीन ए लास निप्स को दुनिया के सबसे डर्निंग रेलवे लाइन में से एक बनाता है। इसके अलावा ये रेल यात्रा 16 आवर्स में पूरा होती है जो दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेन रूट में से एक है। नंबर सेवन, पुरंदर सेंसिंग रेल रोड।
कुरंगन सेंसिंग रिंग रोड दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेन रूट्स के इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसका नजारा बेशक खूबसूरत है। पानी जो वाटरफॉल से गिरता है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट से ये ट्रेन बारनगार्गेन नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी गुजरता है। ये 37 किलोमीटर लंबा रास्ता 19 सेंचुरी में बनाया गया था और इसे लगभग 2 घंटे में तय किया जा सकता है। कुरंगन सेंसिंग रिंग रोड को खतरनाक बनाने का कारण है इस लंबाई रेलवे रूट में 15 गुफाएं हैं, 93 हेयर पिन बेंड्स हैं और 40 पुल से गुजरती है जो कुरंगन सेंसिंग रेल रूट को एक डरावनी यात्रा बनाती है। इसके अलावा ये शक्तिशाली झरनों और तूफानी पहाड़ों से गुजरती है जो ट्रेन को धीरे चलाने पर मजबूर करती है। नंबर 8, डेविड नोस ट्रेन नारिज डेल डियाब्लो। लॉस ऑफ द डेविल इक्वेटर 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और शायद ये दुनिया के सबसे डरावनी ट्रेन राइड्स में से एक है। 1872 में शुरू हुआ इसका निर्माण पूरा होने में लंबा समय लग गया। ये उत्तर के तटों को क्वेटो से जोड़ता था और चियंका तक जाता था। इसके 12 किलोमीटर लंबा रास्ते इसे इक्वेटर में सबसे प्रभावशाली ट्रेन अनुभव बनाता है। नंबर 9, द ग्रेट रेलवे थाईलैंड। बर्मा रेलवे, सिंह बर्मा रेलवे, द बर्मा रेलवे, जैसे भी आप इसे कहें, थाईलैंड के ग्रेट रेलवे 415 किलोमीटर लंबी एक रूट है जो थाईलैंड के बुमपोम को बुर्मा के थानबाई जोट से जोड़ती है। ये जंगल और खतरनाक पहाड़ों से गुजरती है और इनमें से सबसे प्रसिद्ध विभाग नदी कुईपर पुल है। ग्रेट रेलवे को खतरनाक बनाने के कारण है ग्रेट रेलवे को वर्ल्ड वॉर 2 के बुर्मा अभियान में सेना और हथियार उपकरण प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस रेल मार्ग का निर्माण के दौरान बहुत से युद्ध के बड़े पावर्स में अपनी कीमती जिंदगी को खो दी थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया था। नंबर 10, ऑटोकिया चो टीजियो ट्रेन। 1907 में शुरू हुआ ऑटोकिया चो टीजी ट्रेन दुनिया का सबसे अत्यधिक रेलवे माना गया था, लेकिन बाद में ये यात्रा करने वाले के लिए काफी सुरक्षित हो गई। 67 किलोमीटर लंबी यात्रा, 3 आवर्स की यात्रा, क्वेटोकिया चो टीजियो ट्रेन गर्गो और कनेक्शन के बीच चलती थी। इस ट्रेन पर सफर करने से कई यात्रियों को प्रभावित किया गया था, लेकिन ये कई बीघाओं में ट्रस्टलेस था। भारतीय महासागर के भागों में सफर करने के लिए थोड़ा खतरनाक था। जून 2009 में अपने ऑपरेशन को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग लेट वाला वीडियो जाके देख सकते हो।